200 करोड़ से ज्यादा की ठगी का इल्जाम, 9 महीने से भी ज्यादा लंबी चली जांच, किंग पिन समेत 8 लोगों की गिरफ्तारी। कोर्ट में दाखिल हो चुकी हैं 2-2 चार्जशीट, 3 किश्तों में 20 घंटे से ज्यादा की पूछताछ। इस सच के दो किरदार हैं, पहला है सुकेश चंद्रशेखर और दूसरी है फिल्मों की अदाकारा जैकलीन फर्नांडिस। लेकिन फिर कुछ ऐसा है कि सुकेश चंद्रशेखर फ्रॉड केस की जांच कर रहा प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी इस केस की सबसे बड़ी संदिग्ध जैकलीन फर्नांडिस को ना तो अब क्लीन चिट दे पा रहा है और ना ही उसे आरोपी ही बना पा रहा है। दूसरे लफ्जों में कहें तो जैकलीन फर्नांडिस के नाम का पेच इस केस में कुछ ऐसा फंसा है कि ईडी के लिए उसके बारे में कुछ तय कर पाना मुश्किल हो गया है। और ऐसा तब है जब जैकलीन ने अब तक की पूछताछ में न सिर्फ अपने महाठग दोस्त से करोड़ों के गिफ्ट लेने की बात खुलकर कबूल की है, बल्कि ईडी ने जैकलीन के पास से करोड़ों की रकम जब्त भी की है। जैकलीन को आरोपी बनाने या क्लीन चिट देने पर आखिर ईडी में अंदरूनी तौर पर कुछ न कुछ तो चल रहा है, क्योंकि सुकेश से जैकलीन को मिले गिफ्ट की ताजा किश्त के बारे में सब कुछ सामने आ चुका है। सुकेश ने उसे गिफ्ट में कई लिमिटेड एडिशन परफ्यूम्स दिए थे, यानी वो प्रोडक्ट्स जो बाजार में मिलने वाले दूसरे प्रोडक्ट्स के मुकाबले कुछ ज्यादा महंगे होते हैं। उसे सुकेश ने हर हफ्ते वीन एल्कलाइन पानी की बोतलें भी दी, अलग अलग जगह पर हर रोज फूल चॉकलेट्स दिए, गुची और शिनेल जैसे महंगे ब्रांड्स के 3-3 डिजाइनर बैग्स, गुची के जिम वियर, लुई विटन के शूज, लाखों रुपए के 2 पेयर डायमंड्स इयर रिंग्स, मल्टी कलर्ड स्टोन ब्रेसलेट, 2 हार्मेस ब्रेसलेट और यहाँ तक कि घर के लिए एक मिनी कूपर कार भी दी। अब आते हैं इस बात पर कि आखिर जैकलीन को लेकर ईडी के दिमाग में क्या चल रहा है। तो सूत्रों की माने तो जैकलीन को इस मामले में सुकेश के साथ या तो आरोपी बनाया जा सकता है या फिर गवाह। लेकिन आरोपी और गवाह बनाने के मामले में ईडी के अफसरों की और तो और खुद सुकेश की भी कई बार ईडी के सामने और मीडिया को खत लिखकर जैकलीन को खुद पर लगे इल्जामों से अलग बता चुका है। लेकिन जैकलीन पर किसी आखिरी नतीजे पर पहुंचने से पहले ईडी के अधिकारी उससे एक बार और पूछताछ करना चाहते हैं।